क्लास बिंदू बायोलॉजी अकेडमी मोनिरा हमने पिछले क्लासेस में कर लिया अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्रोटेस्टा आज हम करेंगे तो प्रोटेस्टा में हम आज क्या क्या करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटेस्टा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेस्टा और जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको पाँच डिविजन में डिवाइड करते हैं क्राइसो फाइटर नाइनो फ्लैजनॉइ स्लाइमोल्स एंड प्रोटोन्स तो ये पाँचों के बारे में आज हम पढ़ेंगे तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम प्रोटेस्टा अगर हम बात करें हैबिटेट की दे आर मोस्टलीवेटिक्वेटिक मीन्स दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन वाटर एधर दे आर फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर में होते या फिर मेराइन वाटर यानी कि समुन्द्र में रहते हैं सोल्टे वाटर में मेराइन वाटर में अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर मोस्टली यूनिसेल्यूलर यू कैरियोटिक यू कैरियोटिकेट मीन्स इसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियर न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेमडेन And all membrane bound cell organelles are present. Membrane bound cell organelles are present just like mitochondria, chloroplast, chloroplasts are present in them, and uh, or, or endoplasmic reticulum, Golgi bodies, these all are covered with a और डबल मेम्ब्रेन दीज ऑल आर प्रेजेंट इन यू जैसे कि एक यू कैरियोटिक सेल की करेक्टरिस्टिक्स होती है वैसे ही ये यू कैरियोटिक सेल है ठीक है अगर हम बात करें सेल वॉल सेल वॉल इज ऑल्सो अप ऑफ सेल्यूलोर्स लेकिन सेल वॉल जो होता है ये किसी किसी में ही प्रेजेंट होता है इसमें किसी सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव वॉल एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव सेल वॉल ठीक है अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें तीनों टाइप के न्यूट्रिशन है एक फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक और दूसरे जो है सेप्रो सेप्रोट्रॉप्स भी होते हैं और तीसरा हेट्रोटोप्स भी है सो so, इसमें तीनों टाइप के न्यूट्रिशन है इसलिए हम इसको बोलते हैं ये इसका जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड किंगडम प्रोटेस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक ऑफ ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड पंजाई सो ये तीनों के तीनों के जैसे इसकी इनकी जो है ऑर्गेनिजम्स है उनके कैरेक्टर्स मिलते रहते हैं ओनली ये ये यूनिसेल्युलर थे इसीलिए इसमें इंक्लूड किया गया यूनिसेल्युलर यू अगर हम बात करें फ्लैजिला की तो फ्लैजिला और सीलिया भी प्रेजेंट होता है इसमें ये फॉर मूवमेंट मूवमेंट के लिए होता है अगर हम बात करें मोनेरा के मोनेरा के में भी फ्लैजिला प्रेजेंट था यानी कि मोनेरा का प्रो कैरियोटिक फ्लैजिला था अब मैं बता देती हूँ कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है मोनेरा के आ, प्रो कैरिओटिक फ्लैजिला प्रो कैरियोटिक फ्लैजिला एंड यू कैरियोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बीच में क्या डिफरेंस है प्रो फ्लेजिला जो होता है एक टाइप का प्रोटीन है फ्लैजिलिन फ्लैजिलिन उससे बना हुआ रहता है फ्लैजिलिन से लेकिन यू कैरियोटिक फ्लैजिला की बात करें तो वो ट्यूबलिन क्या बना होता है तो फ्लैजिला जो इसमें जो प्रेजेंट होता है वो यू कैरियोटिक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन ट्यूबलिन का बना हुआ रहता है अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन इसमें दो बहुत सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो नहीं होता है चलिए ये तो थी बात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा चलिए बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेस्टा तो प्रोटेस्टा इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स प्लांट लाइक प्रोटेस्ट फंजाई लाइक प्रोटेस्ट एंड एनिमल लाइक प्रोटेस्ट जो प्लांट के तरफ दिखते थे यानी कि जो ऑटोट्रॉप्स थे ठीक हो उसको ये इसमें प्लांट लाइक प्रोटेस्ट में डाल दिया गया जो सेपरेटॉप्स थे वो फंजाई लाइक प्रोटेस्ट नाम दिया गया जैसे कि उसमें आ जाता है स्लाई मोड एंड जो एनिमल लाइक यानी कि जो हैटेटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसका था उसको एनिमल लाइक प्रोटेस्ट में डाल दिया गया तो ये तीनों तरीके मतलब ये तीनों के से मिलते थे प्रोटेस्ट ये जो प्रोटिस्ट जो है प्लांट से भी मिलते हैं फनजाई से भी मिलते हैं एनिमल से भी मिलते हैं इसीलिए बोला गया प्रोटिस्ट द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रो प्रो प्लांट्स एनिमल एंड फनजाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, uh, आ जाता है क्वेश्चन की विच और वन ऑर्गेनिज्म इज देयर विच इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऑल द प्लांट्स एनिमल फनजाई एंड प्रोकैरियोट्स तो प्रोटिस्टस का एग्जांपल होगा तो अब हम बात कर लेते हैं तो प्लांट लाइक प्रोटेस्ट में प्लांट लाइक प्रोटेस्ट में तीन टाइप के आते हैं क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लैजिट्स एंड यूगलिनयस यूगलिनॉइड्स यूगलेनॉइड्स में यूगलिना एग्जांपल है यूगलिना ठीक है इसमें क्राइसोफाइट्स में डाईटम्स आ जाता है जितने भी डाईटम्स है तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगर हम बात करें लाइक प्रोटेस्ट के तो इसमें सेप्टोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एग्जाम्पल हो आगे स्लाइम स्लाइमोल्ड तो स्लाइम मोड के बारे में बात करेंगे हम फिर एनिमल लाइक प्रोटेस्ट में चार टाइप के हैं प्रोटोजोन्स इसको बोलते हैं तो एक आता है एमबॉइड प्रोटोजो इसका एग्जाम्पल है अमीबा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजो जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उसको बोलेंगे फ्लैजिलटेड प्रोटोजो सीलिएटेड प्रोटोजो यानी कि सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड प्रोटोजो स्पोरोज़ोन स्पोरोजोन वो होते हैं जिसके एक लाइफ साइकिल में एक स्पोर्स का वो लाइफ साइकिल होता है स्पोर्स स्टेज होता है इसीलिए हम इसको स्पोरोजोन बोलते हैं तो ये चारों डिस्कस करेंगे एंड एक चीज़ और मैंने पहले भी बताया कि इस किंगडम की बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड क्योंकि इसकी जो कैरेक्टर है सबसे मिलते जुलते हैं तो इसलिए इसका कोई वेल well डिफाइंड वो नहीं क्राइटेरिया नहीं है कि इसके बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया इसमें जो जो भी चीज़ नहीं मिलते थे वो सारी चीज़ इसमें डाल दिया गया अब हम बात कर लेते हैं प्लांट लाइक प्रोटेस्ट की प्लांट लाइक प्रोटेस्ट में हमने बात की थी दो, तीन टाइप के आते हैं क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लेजिलेट्स एंड यूगलिनॉइट्स तो एक एक करके हम पहले सबसे पहले करेंगे क्राइसोफाइट्स चलिए क्राइसोफाइट्स के बारे में जान लेते हैं क्राइसोफाइट्स में दो है दो टाइप के होते हैं डायटम एंड डेस्मिट्स तो डेस्मिट तो आपके एन बुक में नहीं दे रखा तो हम आज डाइटम्स ही करेंगे सो so, डाइटम्स के बारे में पहले हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल है पिनुलरिया एंड नेविकुला अगर इसके हैबिटेट की बात करें डाइटम्स जो है मोस्टली दे आर इक्वेटिक एंड इसमें दोनों आ जाएंगे फ्रेश वाटर भी आएगा और मेराइन तो ये हैबिटेट जो है इसका फ्रेश वाटर एंड मेराइन ठीक है नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने बात की है प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है तो इनके पास ये इनके जो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गई ये तीनों जो है ये तीनों डिवीजन है इसके तो इसकी फोटोसिंथेटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होगी तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेटिक और जब अगर फोटोसिंथेसिस है कर रहे हैं ऑक्सीजन एक फोटो सिंथिस होगी ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन रिलीज होता है जैसे कि प्लांट प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है इसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है अगर फोटो सिंथेटिक पिगमेंट की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है एंड कैरेटोनाइड होता है तो ये तीनों पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं फॉर फोटो अगर फूड रिजर्व की बात करें तो इसमें ल्यूकोसोइन एक टाइप एक का ऑयल है वो होता है वो एज अ फूड रिजर्व स्टोर रहता है ठीक है नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इसमें बाइनरी फिजन होता है बाइनरी फिजन दैट मीन्स वन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू अगर फ्लैजिला की बात करें तो डाइटम्स में कोई भी फ्लैजिला नहीं होता डायटम्स में फ्लैजिला नहीं होता इसीलिए एक लाइन लिखी हुई एन बुक में फ्लोट इन वाटर करेंट यानी कि जिस डायरेक्शन में वाटर करंट होगी वाटर जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में ही डायटम चल पड़ते हैं क्योंकि उनका कोई फ्लैजिला नहीं है तो मूवमेंट के लिए कोई है ही नहीं चीज़ तो इसीलिए वो वाटर करंट के साथ साथ ही चलते रहते हैं तो फ्लैजिला इज एप्सेंट अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूनिसेल्युलर है माइक्रोस्कोपिक है एंड यू कैरियट्स है यू मैंने बताया था ये इसमें जो है न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर सेल वॉल की बात करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेल वॉल इज मेड अप सेलेस एंड सिलिका बहुत इंपॉर्टेंट है सेल वॉल जो है सिलिका का बना होता है अब देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं डायटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये सोप लाइक स्ट्रक्चर मतलब सोप का जो बॉक्स होता है उसके जैसे स्ट्रक्चर होता है ये है सेल वॉल ये अपर अपर वॉल है एंड ये लोअर वॉल है तो ये अपर वॉल लोअर वॉल जो है दोनों ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं एंड ये जो है जो जो सेल वॉल है वो सिलिका का बना होता है सिलिका सेल्यूलोज और सिलिका का बना रहता है तो सिलिका क्या होता है सिलिका कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो इसके बारे में भी बताती हूँ मैं डाइटोम डाएटोमिस अर्थ डाइटोमीसियस अर्थ क्या होता है जो सिलिशियस सेल है जो इसके जो सिलिका की सेल है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है इनडिस्ट्रक्टिबल डेट मीन्स वो कभी डीके नहीं हो सकता डू नॉट डीके। तो बताओ नेचर में ऐसी कौन सी चीजें जो डीके नहीं हो सकती एक तो प्लास्टिक है दूसरा ये सिलिशियस सेल इसके जो सिलिका वाली जो इसके सेल है सेल वॉल है वो कभी भी डीके नहीं हो पाती तो ये क्या होता है ये जो समुद्र के नीचे में ये सारे स्टोर ये पाइलअप होते रहते हैं यानी कि इकट्ठा होते जाते हैं इकट्ठा होते जाते हैं तो एक लाइक स्ट्रक्चर -like बन जाता है पूरा इकट्ठा सेल वॉल जो है इकट्ठा होते होते एक ऐसे लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इसी को हम बोलते हैं डाएटोमिस अर्थ तो ये डाइटोमसियस अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम फ्रॉम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कैसे इंपॉर्टेंस है इसकी डाइटमी अर्थ जो है, है वो पेंट के काम आता है जो आपने देखा होगा जो रात को चमकते हैं पेंट तो वो कहाँ से आता है ये ये बिकॉज ऑफ डायटम ये पेंट में यूज़ होता है इंडस्ट्रील फिल्ट्रेसन में भी यूज़ होता है ये इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन में भी यूज़ होता है पॉलिशिंग पॉलिशिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसकी जो ये गर्टी नेचर यानी कि थोड़ी सी सॉलिड है अब सॉलिड सॉलिड पे अगर रगड़ेंगे तो क्या होता है पॉलिश होता है तो ये पॉलिशिंग के भी काम आता है और टूथ में टूथपेस्ट में भी ये डला हुआ रहता है तो अडाइटमिस अर्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी ये आपके एन बुक में भी लिखा हुआ इट इज़ अ चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन सबसे ज़्यादा जो है ये डाइटम ये ज़्यादातर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं तो चीफ प्रोड्यूसर कौन है समुद्र में तो ये ही डा ही होंगे तो अब हम बात कर लेते हैं डायनो चलिए हम बात कर लेते हैं प्लांट लाइक प्रोटेस्ट में सेकेंड टाइप की डाइनो तो जो डायनोप्लेजिलेट्स है वो मोस्टली मेराइन हैबिटेट के होते हैं यानी कि इनका हैबिटेट मेराइन होता है मोस्टली सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो पोटो दैट मीन्स ये भी पोटो करते हैं तो फोटोसिंथेसिस है तो इनके पास पिगमेंट भी होगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता है उसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स क्रोमेटोफोर्स में पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए होता है क्लोरोफिल सी होता है कैरेटोनोइड अगर येलो कलर का है ये अगर डायनोफ्लाजिलेट्स येलो कलर का है तो कैरेटोनोइड पिगमेंट होगा या फिर फ्यूकोजेंथिन अगर ब्राउन कलर का इसके अलग अलग कलर होते हैं येलो कलर होता है ग्रीन कलर होता है ब्राउन कलर, कलर, कलर के होते हैं ब्लू कलर के और रेड कलर के होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होगे हो मोस्टली जो है फ्यूकोजेंथिन ज़्यादातर केसेस में होता है अगर हम फूड रिज़र्व की बात करें तो ये फूड रिजर्व में स्टार्च एंड ऑयल फूड रिज़र्व करते हैं इसमें स्टार्च और फूड रिज़र्व ऑयल स्टोर करते हैं अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन है डाइनो माइटोसिस माइटोसिस मीन्स डिवीज़न हो रहा है सेल की डिवीजन हो रही है जस्ट लाइक बाइन डिविज़न लेकिन इसमें जो है मोस्टली uh, जो होता है जब भी डिवीजन होती है तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो हट जाता है डिसंटीग्रेट हो जाता है बट इसमें जो है न्यूक्लियर एनवेलप प्रोसेस्ड यानी कि साथ के साथ ही डिवीजन हो रहा है लेकिन न्यूक्लियर एनवेलप भी साथ में डिवाइड और वो साथ में उसके साथ में होगा ही सेल के साथ में जैसे मान लो कि सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में ही डिवाई डिविजन होगी अगर हम बात करें फ्लैजिला की तो डाइनो इसलिए नाम दिया गया कि दो फ्लैजिला है डाइनो डाइनो फ्लैजलेट्स दैट मीनस टू फ्लैजिलेट्स इसमें दो अलग टाइप के फ्लैजलेट होते हैं कैसे फ्लैजलेट होते एक होता है ट्रांसफर्स फ्लेजलेट होता है एक लॉन्गिट्यूडल लॉन्गिट्यूड फ्लैजिलम होता है तो इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं करते हैं चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूनिसेलुलर है यू कैरियोटिक है फोटोसिंथेटिक है माइक्रोस्कोपिक है एंड सेल वॉल जो होता है ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका सेल वॉल जो है स्टेफ सेल्यूलोज प्लेट का बना रहता है स्टेफ सेल्यूलोज प्लेट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है तो ये बार बार आता है नेम ऑन प्रोटेस्ट दैट इज मेड अप ऑफ स्टिफ से प्लेट्स तो, तो एग्जाम्पल होगा डायनो प्लेज स्टिफ का मतलब होता है हार्ड हार्ड सेलुलोस प्लेट्स के इनके जो सेल वॉल बनी होती है अब चलिए हम सेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका कैसे होता है इसमें जो है तीन है ये इसमें और इसके अंदर दो ग्रूव है एक ये जो ग्रूव है इसको बोलते हैं सिंगुलम इसको सिंगुलम ग्रुप बोलते हैं जो दूसरा ग्रुप है इसको बोलेंगे सिलिकस सुलिकस ग्रुप ये जो ग्रुप है सुलिकस ग्रुप एंड इसको बोलेंगे सिंगुलम सिंगुलम ग्रुप में जो होता है जो फ्लैजिलम होता है वो उसको ट्रांसफर्स फ्लैजिलम बोलते हैं इसके अंदर जो है ट्रांसफर्स फ्लैजिलम है इसका क्या काम होता है ये फॉरवर्ड मोशन देता है यानी कि जैसे कि बोट है बोट को फॉरवर्ड मोशन देना हो तो एक रूडर टाइप होता है तो ये ये इसको फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ाने में काम कर रहा है ये ट्रांसफर्स फ्लैजिलम नेक्स्ट आता है लॉन्गेटूडनल फ्लैजिलम तो ये लॉन्गेटनल फ्लैडिलम फ्लैजिलम एक्ट लाएगा रूडर इन अ बोट बोट में जो रूडर होता है जिससे कि आगे हम बढ़ते हैं तो ये इसको हेल्प करता है इसको आगे बढ़ने में तो रूडर का काम करता है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम ये याद रखना है ये सिलिकस ग्रुप में होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजम एंड सिंगुलम ग्रुप में ट्रांसफर्स फ्लेजिलम होते हैं दोनों के 90 डिग्री डायरेक्शन में फ्लैजिला के जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है नेक्स्ट आ, आ, आ जाता है रेड डायनोफ्लैजलेट तो ये और तो, कभी, कभी कभार जो है ना रेड टाइड से आता है यानी कि समुंद्र एकदम रेड कलर का देखा देखा होगा कभी कभार आपने देखा होगा उसमें वीडियोस में कि रेड टाइड्स आए तो रेड टाइड्स का मतलब है उसमें डायनियो ज़्यादा थे रेड कलर के डायनो ज़्यादा थे जिसके कारण पूरा समुद्र का रंग लाल कलर का हो गया तो ये इसका एग्जाम्पल है गैन गैनो लैक्स गोनियक्स ये एग्ज़ाम्पल हो गया ये रेड टाइड्स प्रोड्यूस करता है नेक्स्ट आ जाता है गोनी लैक्स जो है ये बहुत ही टॉक्सिन रिलीज करता है इट रिलीज द टॉक्सिन इसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन सेक्सी टॉक्सिन क्या करता है ये फिशेस को किल कर देता है या और भी एक्वेटिक एनिमल्स है प्लांट्स है उनको किल कर देता है अगर ये और एक और जो शेल फिश होती है शेल फिश नाम है वो है वो जो शेलफिश फिश अगर इस टॉक्सिन को खा लेती है और उस उस शेल फिश को अगर हमने खाया तो हम भी मर जाएंगे या फिर पैरालिसिस हो जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन अगर ये सेल्फिश खाएगी टॉक्सिनयुक्त सेल्फिश खाएगी तो उनको पैरालिसिस हो जाता है तो ये तो थी बात डाइनोफ्लेजिलेट्स की अब हम कर लेते हैं यूगलिनॉइड्स चलिए अब बात कर लेते हैं यूगलिनोइड्स की यूगलिनोइड्स में हम पढ़ेंगे यूग्लिना के बारे में ठीक है तो यूगलिना जो है वो फ्रेश वाटर होता है मोस्टली हम ये कहते हैं क्राइसोफाइड्स किया था ये मेराइन एंड ये फ्रेश वाटर दोनों था डाइनोफ्लैजलीट किया था ये मेराइन थे एंड यूगलिनोइ्स ये फ्रेश वाटर है एंड स्टेगनेंट वाटर यानी कि जहाँ रुका हुआ पानी है जैसे कि पौंडलाइ स्ट्रक्चर -like है जो उसमें ज़्यादातर ये प्रेजेंट होते हैं यूग्लिना ठीक है इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कब होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है ठीक है अगर सनलाइट नहीं है वैन देयर इज एबसेंस ऑफ सनलाइट अगर रात के टाइम पे या फिर जब जिस दिन सनलाइट नहीं होगा तो वो हैट्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं एंड वो दे एक्ट लाइक अ प्रिडेटर ऑन द स्मॉलर ऑर्गैनिज्म और क्या करते हैं छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको वो हंट करने लगते हैं उसको खाने लग जाते हैं तो ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे डू द फोटोसिथिस एंड इन एबसेंस ऑफ सनलाइट देर देर एक्ट लाइक प्रिटेटर एंड फीड ऑन द स्मॉलर ऑर्गेनिज़म्स ये जो ऑर्गेनिज ये जो है अमीबा है इसका जो माउथ होता है गुलट गुलट से ये ऑर्गेनिजम्स को खाते रहते हैं तो अगर हम बात करें तो इसमें क्लोरोप्लास प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास में जो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है ये ध्यान रखना फूड रिजर्व की बात करें तो ये अलग टाइप का इसमें पैरामाइलन ग्रेन्यूल प्रजेंट होता है रिजर्व कौन सा होता है पैरामाइल ग्रेन्यूल्स अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सिस्ट फॉर्मेशन होते हैं ऐसे सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर मल्टीपल फिजन होता है यानी कि ये बाइंड्री फिजन बाइंड्री फिजन में दो होते हैं दो में डिवाइड होते हैं इसमें खूब सारे में डिवाइड होते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड जब ये ब्रेकआउट हो जाता है तो ये सारे जो आ, जो और स्ट्रक्चर जो है न्यू न्यू ऑर्गेनिजम्स न्यू न्यू न्यूगलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये तो थी बात रिप्रोडक्शन की अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में स्ट्रक्चर दे रखा तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके तो सबसे पहले बात करें इसकी जो है सेल वॉल की तो सेल वॉल इज एबसेंट सेल वॉल एबसेंट होता है इसके बदले में एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर होता है प्रोटीन की इसको बोलते हैं पैलिकल लेयर होता है पेलीकल लेयर इट इज़ अ प्रोटीनिशियस लेयर प्रोटीन की बनी हुई रहती है लेयर ये क्या प्रोवाइड कर, करता है इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इसी के कारण इसकी क्रीपिंग मूवमेंट भी हो जाती है जिसको हम मेटाबोली बोलते हैं मेटाबोली ठीक है तो ये जो है पेलिकल जो है प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द युगिना तो ये हो गया का सेकेंड हम बात करते हैं गुलेट के गुलेट एक्ट लाइक अ माउथ जब सनलाइट नहीं रहता है तो ये माउथ से ही अपने ये गुलेट से ही स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को अंदर डालते हैं उसके बाद में आता यहाँ पर फ्लेजिला फ्लेजिला की बात करें तो फ्लैजिला इसमें दो है एक तो है लॉन्ग और दूसरा है शॉर्ट ठीक है लॉन्ग जो फ्लेजिला होता है ये एंटीरियर पोजिशन पे होता है इसको बोलते हैं टेंसल शेप टेंसिल यानी कि लॉन्ग टेंसिल फ्लेजिलम है और जो दूसरा वाला जो होता है शॉर्ट वाले जो होते हैं इसको बोलते हैं टैक्टिलम शॉर्ट फ्लैजम को टैक्टिलम बोलते हैं जिसके दो रूट होते हैं ये पैरा और बॉडी से दोनों कनेक्टेड रहते हैं एंड इसके जो शॉर्ट वाले हैं उसके दो रूट होते हैं तो दो फ्लैजम है इसमें एक शॉर्ट और एक लॉन्ग तो ये तो थी बात फ्लैजिला के फ्लैजिला जो है उसको फॉरवर्ड मूवमेंट पर हेल्प करता है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसका क्या काम होता है ओसमो रेगुलेशन ओस्मो रेगुलेशन यानी कि ये इसमें इसके अंदर वाटर बैलेंस बनाने में हेल्प करता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का ये रोल होता है न्यूक्लियस भी होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है गोल्जी बॉडीज भी है क्लोरोप्लास्ट भी है क्रोर पास में पायरेनोइड होता है पिगमेंट जो कि हेल्प करता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एक चीज़ और ये यह यहाँ पर जस्ट गुलट के साइड में एक आई स्पॉट है आई स्पॉट में पिगमेंट होता है जो डिटेक्ट करता है कि सनलाइट सनलाइट आ रही है कि नहीं आ रही है तो ये अ डिटेक्टर पिगमेंट इसको आई स्पॉट में जो पिगमेंट होता है इट अ डिटेक्टर कि सनलाइट है कि नहीं है ठीक है तो ये और उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है तो ये सारे चीज़ स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आज हम पर, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे एंड इसके आंसर्स जो है मैं वीडियो के बाद में बताऊँगी आप तो आप चाहे तो ए, कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हैं चलिए हम क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस अगर मेरी आपने वीडियो देख ली है अगर देखोगे तो फिर मैंने बताया है चीफ प्रोड्यूसर कौन है तो आपको गेस करके साथ के साथ कमेंट्स बॉक्स पर लिखते जाओ मेरे आंसर बताने से पहले आप लिख दो तो डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं डायटम्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया होता है या यूग्लिनोइड्स होता है तो इन चारों ऑप्शन में से आप बता सकते हो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट द वॉल ऑफ डाइटम्स आर इजली डिस्ट्रक्टिबल

माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस और माइटो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया दो बार लिख दिया मैंने सो so, मैं यहां पर लिख देती हूँ पायरानोइड सो ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि जो वाटर रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन मतलब होता है वाटर रेगुलेशन कौन करता है इन चारों ऑप्शन में से तो आपको कर चूज करके बताना है वीडियो में मैंने बता रखा है कि कौन करता है ऑस्मोन रेगुलेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन ऑफ़ द फॉलोइंग ऑर्गन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है दो टाइप के न्यूक्लियस एक बड़ा एक छोटा किस में पाया जाता है अमीबा ट्रेपेसोमा प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम इन चारों में से आपको ऑप्शन गेस करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ तो द फॉलोइंग इज नॉट एन यू कैरियोट कौन सा एक यू कैरियो नहीं है पैरामीशियम युगलीना इकुलाई और अमीबा तो ये चारों में से आपको एक चूज करके बताना है चलिए अब बात कर लेते हैं प्लांट लाइक जो प्रोटेस्ट है क्राइसोफाइड डाइनोफ्लाइजलेट एंड यूगलाइन यूग्लिनोइ्स इनके बीच में क्या डिफरेंसेस इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले तो हैबिटेट की तो ये क्राइसोफाइट्स मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों है डायनोप्लेजिलेट जो है वो मेराइनस है एंड यूग्लिनोइ्स ये फ्रेश वाटर है अगर हम बात करें फ्लाजिला की तो फ्लाजीला क्राइसोफाइट्स में डाइटम में एबसेंट होता है और ये डाइनोप्लाजिलेट्स में प्लाजिला टू होते हैं मैंने बताया था आपको दोनों 90 डिग्री पे के पोजीशन पे होते हैं एंड इसमें भी यूगलिनोइड्स में भी, भी फ्लाजीला टू होता है एक इंटीरियर लॉन्ग होता है और दूसरा जो है शॉर्ट होता है दो फ्लैजिला होते हैं अगर हम बात करें तो सेल्यूलो ये सेल वॉल की तो ये क्राइसोफाइट्स यानी कि डायटम, डायटम, इसके जो वो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज और सिलिका की बनी हुई रहती है ठीक है अगर हम डायनोफ्लैजेट की बात करें तो इसमें जो सेल वॉल होती है स्टेफ प्लेट होती है यानी कि हार्ड सेलुलस प्लेट की बनी होती है एंड यूबिलोनॉइड्स में तो एब्सेंट ही होता है वॉल एब्सेंट होता है उसके बदले में प्रोटीन की एक लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है अगर हम बात करें फूड रिजर्व की तो इसमें जो है क्राइसोफाइट्स में फूड रिजर्व होता है ल्यूकोसिन अगर डायनोफ्लेजलेट की बात करें तो इसमें स्टार्च और ऑयल होता है और अगर हम यूबिलोइ्स की बात करें तो पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स होते हैं अगर ये इसकी जो पिगमेंट्स है यानी कि जो फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक पिगमेंट है उसमें क्या क्या होता है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी एंड कैरेटोनाइट पिगमेंट होता है अगर डायनोप्लेजलेट की बात करें तो क्लोरोफिल ए और सी होता है बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट कलर देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट आर प्रेजेंट अलग अलग टाइप के होते हैं फ्यूकोजेंथिन फॉर ब्राउन कलर फाइकोएरिथ्रिन फॉर रेड कलर के लिए तो अलग अलग डायनोप्लेजलेट में अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं ये चीजेस हो सकते हैं यूग्लिनोइड्स में क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है